असम में तूफान सितरंग की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। राज्य के 83 गांव के करीब 1100 लोग इस तूफान से प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश की वजह से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। भारी संख्या में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान राज्य के नौगांव जिले में हुआ है। यहाँ के कोलियाबोर, बामुनी, सकमुथिया चाय बगान, बोरोली गांव क्षेत्र में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि तूफान में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कोलियाबर के ग्राम प्रधान ने कहा कि ग्राम प्रधान के रूप में मैंने पूरे गांव का दौरा किया, यहां काफी नुकसान हुआ है। सर्कल अधिकारी को मैं इसकी रिपोर्ट भेज दूंगा। तूफान सितरंग के कारण पूर्वोत्तर के राज्यों में कई उड़ानें और ट्रेनें रद्द कर दी गई है। रेलवे भी किसी भी तरह की घटना से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है। मंगलवार को गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। तूफान का बड़ा असर त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड में भी देखने को मिला है। वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। असम में सोमवार सुबह चक्रवाती तूफान सितरंग का असर महसूस किया गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। इनमें करीमगंज, कछार, हैलाकांदी और डीमा हसाओ जिले शामिल थे। आईएमडी के अनुसार सोमवार तड़के 3:17 पर सितरंग पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से 520 किलोमीटर दक्षिण और बांग्लादेश में बरिशाल से 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। बता दें कि मंगलवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा था कि चक्रवाती तूफान सितरंग उत्तर पूर्व में अगरतला और शिलोंग के करीब अब कमजोर पड़ गया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।